के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक बार फिर से बहुत जल्द लीप आने वाला है और लीप के बाद ये कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। नई कहानी की शुरुआत होगी नए किरदारों के साथ जो शो में लीड किरदार निभाएंगे। वहीं ये रिश्ता के 15 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में कई बार इसकी कहानी को बदला गया, कई बार किरदार बदले गए, लेकिन ये रिश्ता दर्शकों के साथ ऐसे ही बना रहा। जी हाँ, 15 साल पहले इस कहानी की शुरुआत हुई थी जिसमें आपको मेन किरदार में हिना खान और करण मेहरा नजर आए थे। इनकी जोड़ी ने दर्शकों का खूब दिल जीता। वहीं इसके बाद लीप आया और फिर एंट्री हुई अक्षरा और नैतिक की बेटी नायरा की, जिसका किरदार शिवांगी जोशी ने निभाया। वहीं उनके ऑपोजिट किरदार में मोहसिन खान नजर आए, जिन्होंने इस सीरियल में कार्तिक का किरदार निभाया। कार्तिक और नायरा की जोड़ी को भी दर्शकों ने खूब प्यार दिया और लोगों का काफ़ी एंटरटेनमेंट किया इस जोड़ी ने। इसके बाद तीसरी जनरेशन में एंट्री हुई, जिसका किरदार अक्षय और अभिमन्यु निभा रहे हैं, जाने की पनाली राठौर एंड हर्षा चोपड़ा। वहीं इनके कपल को भी हैशटैग मिला अबीरा का। दर्शकों ने इनकी जोड़ी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। इसकी कहानी का भी अब अंत होने वाला है, एक नई कहानी की शुरुआत होने जा रही है जिसमें समृद्धि शुक्ला और शहजादा दामी की एंट्री हो रही है। आपको बता दें कि समृद्धि शुक्ला इससे पहले कलश पर आने वाले सीरियल साबिक की सवारी में नजर आती थी साबिक का किरदार निभाते हुए, जहां उन्होंने दर्शकों का दिल जीता और अब आप सबका दिल जीतने वो सीरियल ये रिश्ता में आ रही है। तो वहीं शहजादा दामी की बात करें तो वो भी कई सारे टीवी सीरियल्स में नज़र आ चुके हैं, जैसे कि जादू है जिनका, शुभ शगुन और नजर और न जाने कितने और सीरियल, और अब इन दोनों की जोड़ी ये रिश्ता क्या कहलाता में बनने जा रही है। पहलों की तीनों जोड़ियों ने दर्शकों का खूब दिल जीता और अपनी एक अलग जगह बनाई दर्शकों के दिलों में, और अब देखना यह है कि ये नई जोड़ी भी दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब होगी या फिर नहीं, क्या ये भी दर्शकों के दिल में वैसे ही जगह बना पाएगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनी फेवरेट जोड़ी का नाम भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहे।